आज हमें खुशी है और आपको भी खुशी होगी कि आज भारत की राष्ट्रपति उड़िया की बेटी, उड़ीसा की बेटी, आदिवासी की बेटी, महिला सम्मान, आदिवासी सम्मान देश में भारत की राष्ट्रपति बनाने का निर्णय और बैठाने का काम अगर किया तो मोदी जी की दूरदृष्टि और भारत का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका मंत्र को पूरा किया। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ताकि हमारे आदिवासी भाई का बेटा, हमारी आदिवासी बेटे भाई की बेटी ये आज अच्छी शिक्षा ले सकें। और इसके लिए मोदी जी ने एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल का बजट, आर्थिक सहायता एक गुना नहीं, दो गुना नहीं, पांच गुना नहीं, दस गुना नहीं, बीस गुना नहीं, 21 गुना बजट बढ़ा दिया, ताकि हमारे कोई भी आदिवासी घर से निकला हुए बेटी या बेटा, उसको पढ़ाई में दिक्कत ना हो, उसको पढ़ाई की जा सके। उसी तरीके से MSP हमारे आदिवासी भाइयों के प्रोड्यूस पर सिर्फ 10 सामान पर मिलता था MSP। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको बढ़ा करके 90 प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो जंगल से प्रोड्यूस होता है, उसको बढ़ाने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, इज्जत घर, खुले में शौच को रोकने के लिए अगर देश में 12 करोड़ इज्जत घर बने तो 1.5 करोड़ इज्जत घर मोदी जी ने आदिवासी बहनों के लिए और आदिवासी परिवारों के लिए देने का काम किया, जनजातियों को देने का काम किया। मित्रों, आज हम ये कह सकते हैं बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मैं सही बोल रहा हूं क्या? जरा जोर से बोलो, सही बोल रहा हूं क्या? बहुत तकलीफ पहुंचाई है। और इसी कारण से जो आदिवासी, जो उड़ीसा का भाई, जहां खनिज है, जहां हर तरीके की माइनिंग है, जहां विकास के हर तरीके के स्कोप हैं, वहां हमारा आदिवासी भाई दो वक्त की रोटी के लिए पलायन कर रहा, पलायन कर रहा है, पलायन। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।